तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लोग, अब आज हम खेलेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। खेलेंगे हम दो ओवर का मैच खेलेंगे, तो भाई देखते हैं यहाँ पर कितना मज़ा आता है। तो यहाँ पे हम आज खेलते हैं, नाइट मैच ही खेलेंगे हम यहाँ पे भी। तो ये टीम आपको तो पता ही कौन सी क्या टीम है। तो यहाँ पर मैच लोड हो रहा है, तो देखते हैं भाई लोग कितना मज़ा आता है यहाँ पर गेम। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यहाँ पर टॉस का टाइम है, देखते कौन टॉस जीतते हैं, इंडिया या वेस्ट इंडीज। तो यहाँ पर टॉस उड़ता हुआ तो देखते हैं। आपने तो यहाँ पर हम बैटिंग करेंगे पहले, तो देखते हैं आज लोग क्या मजा आता है यहाँ पे। फास्ट मीडियम डालेंगे यहाँ पे पहले रोहित शर्मा को, किरण पोलार्ड डालेंगे पहले। एक मिनट सेटिंग कर ले जरा ये। तो यहाँ पे भाई लोग सेटिंग तो हो गई है, अब यहाँ पे रेडी हो रहे गेम के लिए। तो यहाँ पहली बॉल डालेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे रोहित शर्मा क्या करते हैं पहली बॉल पे। पोलार्ड की बॉलर पे पहली बॉल गैप में खेली, 4 रन के साथ खाता खोला यहाँ पे रोहित शर्मा ने, और टीम इंडिया का भी खाता खुलता हो इसी के साथ। बहुत बढ़िया शॉट खेला यहाँ पे रोहित शर्मा ने पहली बॉल। देखते कितना भारी पड़ते हैं यहाँ पे पोलार्ड या फायदेमंद पड़ते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे रोहित शर्मा ने छक्का मार दिया दूसरी बॉल पे। बहुत बढ़िया अंदाज से खेल रहे हैं यहाँ पे रोहित शर्मा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ भाई लोग लाइक तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ज़्यादा सब्सक्राइब करो थोड़ा चैनल को। तीसरी बॉल डालेंगे यहाँ पे रोहित शर्मा को, देखते हैं यहाँ पे विकेट मिल गई है। बहुत बढ़िया पोलार्ड ने वापसी कर ली यहाँ पे, विकेट ले ली रोहित शर्मा की। तो देखते भाई लोग विराट कोहली क्या करते हैं यहाँ पे, पहली बॉल खेलेंगे विराट कोहली, देखते कुछ फ़ायदा उठा पाते विराट कोहली या नहीं। टाइमिंग नहीं हुई है पर गैप में गई है, यहाँ पे डबल मिल सकता है। बहुत बढ़िया डबल ले लिया यहाँ पे विराट कोहली ने, बहुत बड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे दोनों ही प्लेयरों से। चौथी बॉल, पांचवी बॉल डालेंगे यहाँ पे विराट कोहली, देखते विराट कोहली इस बार क्या करते हैं यहाँ पे। टाइमिंग ही नहीं हो रही है बिल्कुल विराट कोहली से। तो एक और बहुत बढ़िया डबल यहाँ पे, बहुत बड़ी रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे विराट कोहली। आखिरी बॉल डालेंगे यहाँ पे विराट कोहली, सॉरी पोलार्ड, और विराट कोहली ने स्ट्रेट ड्राइव करी एकदम, बहुत बढ़िया छक्का मारा यहाँ पे विराट कोहली ने। बहुत बढ़िया तरीके से इंडिया के लिए ओवर जाता है, विकेट ज़रूर गिर गई है पर बहुत अच्छा ओवर गया इंडिया के लिए। तो देखते हैं दूसरे ओवर में क्या करते हैं, पहले ओवर में 20 रन बन गए हैं, अब देखते हैं शिखर धवन क्या रोल निभाते हैं अपना, जैसे खेलते वैसे ही खेलेंगे या कुछ नया। टाइमिंग नहीं हुई, विकेट मिल गई, बच गए यहाँ पे, पहुँच गए यहाँ पे। बहुत बढ़िया रनिंग, फील्डर कैच कर सकता था डाइव मार कर, पर फील्डर ने कोशिश नहीं करी यहाँ पे। विराट कोहली स्ट्राइक पे, देखते विराट कोहली क्या करते हैं। बहुत बढ़िया शॉट खेला यहाँ पे विराट कोहली ने गैप में, एक और चौका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे विराट कोहली भी। ऐसी ज़रूरत है यहाँ पे, रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे थे पर विकेट मिल गई थी यहाँ पे रोहित शर्मा। देखते विराट कोहली कितने रन बना सकते हैं यहाँ पे, ये भी गैप में 4 रन और मिलेंगे, फ्लिक कर दिया 4 रन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंदाज से खेल रहे हैं यहाँ पे विराट कोहली, बिल्कुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से खेल रहे हैं। पर देखते हैं कितनी देर तक टिक सकते हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव यहाँ पे, एक और चौका, बहुत बढ़िया तरीके से हैट्रिक लगा दी यहाँ पे बाउंड्री की विराट कोहली ने। बिल्कुल सेट हो गए हैं पवेलियन से ही, मैच ख़त्म करने के मूड में, बिल्कुल रन बहुत बड़ा टारगेट देने के मूड में। 33 रन तो बन गए हैं, देखते हैं और कितने रन बना सकती है यहाँ पे टीम इंडिया, कितने लंबे टारगेट दे सकती है यहाँ पे। बहुत बढ़िया फ्लिक, एक और चौका मिलता हुआ, एक और बहुत बढ़िया शॉट, लगातार चौके पे चौके मार रहे विराट कोहली यहाँ पे। देखते हैं आखिरी बॉल पे क्या करते हैं यहाँ पे विराट कोहली, आखिरी बॉल डालेंगे यहाँ पे, देखते हैं आखिरी बॉल पे क्या करते हैं। बहुत बढ़िया कवर के ऊपर से 4 रन मिलेंगे साइड से, मिल गए, बहुत बढ़िया है यहाँ पे। लगातार 5 बॉलों में 5 चौके मार के यहाँ पे विराट कोहली ने ख़त्म करी इंडिया की इनिंग को। बहुत बढ़िया है यहाँ पे, बहुत बढ़िया अंदाज से खेल रहे हैं यहाँ पे विराट कोहली। तो यहाँ पे 41 बना दिए शिखर धवन को, ज़्यादा बॉल फेस करने का मौका ही नहीं मिला यहाँ पे। पहला ओवर जडेजा से कराएंगे हम यहाँ पे, देखते जडेजा कितना असरदायक पड़ते हैं यहाँ पे टीम इंडिया के लिए।
या महंगे हो तो अभी पता चलेगा। यहाँ पे साईयूब खेलेंगे पहली बॉल में, देखते पहली बॉल पे साईयूब क्या करते हैं। पहली बॉल पे कदमों का इस्तेमाल करा पर डिफेंस करा यहाँ पे, बहुत बढ़िया बॉल यहाँ पे जडेजा से। दूसरी बॉल डालेंगे अभी जडेजा, देखते क्या करते साईयूब। गैप में गई और 4 रन और मिलेंगे, बहुत बढ़िया यहाँ पे खाता खोला है यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ का। साईयूब ने बहुत अच्छे तरीके से शॉट खेला है यहाँ पे बिल्कुल। देखते जडेजा वापसी कर पाएंगे या नहीं। तीसरी बॉल डालेंगे, ओह बहुत बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे, मिस करते हुए बिल्कुल विकेट के पास से गई, यहाँ पे विकेट मिल सकती थी। चौथी बॉल डालेंगे जडेजा साईयूब को, ये भी गैप में, यहाँ पे 2 रन मिल सकते हैं क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, मिल जाएंगे नाम से, बहुत बड़े रन बिटवीन द विकेट यहाँ पे। वेस्ट इंडीज़ को लंबे शॉट लगाने पड़ेंगे अगर मैच जीतना है यहाँ पे, तो 6 रन बने अभी 4 बॉलों में। देखते पांचवी बॉल पे क्या करते हैं यहाँ पे साईयूब, बहुत यहाँ पे विकेट मिल गई पहली, बहुत बढ़िया शॉट अच्छा खेला था पर दूरी नहीं कर पाए, यहाँ पे छक्का मारने की कोशिश में थे और सीधा फील्डर के हाथ में, बहुत बढ़िया विकेट यहाँ पे जडेजा। जडेजा बहुत अच्छा साबित होते हैं यहाँ पे टीम इंडिया के लिए, 5 और 6 रन देके और 1 विकेट भी ले लिए यहाँ पे। देखते हैं आखिरी बॉल पे क्या करते हैं यहाँ पे, गैप में गई है 4 रन मिलेंगे, बहुत बढ़िया यहाँ पे स्वीप खेला इटमायर ने। तो भाई लोग पहले ओवर में 10 रन आगे और 1 विकेट के साथ ख़त्म करा है यहाँ पे जडेजा ने ओवर को। वेस्ट इंडीज़ 10 ही रन बना पाई है पहले ओवर में, देखते दूसरे ओवर में रन बना पाती है चेस करने लायक जितने भी इनको चाहिए। तो यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार से कराएंगे हम बॉलिंग, देखते भुवनेश्वर कुमार कितने अच्छे दिखते हैं यहाँ पे टीम इंडिया के लिए। तो भाई लोग सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। पहली बॉल डाली है यहाँ पे सीधा फील्डर के हाथ में, यहाँ पे 2 रन 3 रन मिल सकते हैं क्या, मिल जाएंगे आराम से, बहुत बड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे, 3 रन ले लिए आराम से। तेरह रन ही बना पाई है यहाँ पे डबल ले सकते हैं पर यहाँ सिंगल लिया, नहीं ले सकते थे डबल। 5 बॉल अब 4 बॉलों में 28 रन चाहिए जो तो बन नहीं सकते हैं। तीसरी बॉल डाले हैं भुवनेश्वर, ये भी सीधा फील्डर के हाथ में फ्लिक कर दिया। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ चेस करने के मूड में लगी ही नहीं बिल्कुल, 3 बॉल हो गई 15 रन ही बनाए हैं बस, रन के लिए दौड़ रहे, छक्के चौके मारने की तो कोशिश ही नहीं करी यहाँ पे बिल्कुल। चौथी बॉल डालेंगे यहाँ पे इटमायर, बहुत बढ़िया यॉर्कर डाल रहे भुवनेश्वर कुमार, बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहे यहाँ पे, पहुँच गए यहाँ, बहुत बड़े रनिंग बिटवीन द विकेट्स यहाँ पे। आखिरी बॉल डाल, 5वीं बॉल डालेंगे यहाँ पे सीधा फील्डर के हाथ में, डबल मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स हैं यहाँ पे, 2 रन ले लिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया 19 रन बन गए हैं यहाँ पे। 1 बॉलों में 23 रन चाहिए, देखते हैं बना पाते या नहीं। आखिरी बॉल डालते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया ओवर डाले हैं भुवनेश्वर ने। तो भाई लोग यहाँ पे इसी के साथ टीम इंडिया मैच जीतते हुए यहाँ पे 20 रन से मैच जीतते हुए यहाँ पे, बहुत बढ़िया खेली है यहाँ पे टीम इंडिया, बॉलिंग भी अच्छी करी है, बैटिंग तो अच्छी करी है। तो देखते हैं यहाँ पे मैन ऑफ द मैच किसको मिलता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया बैटिंग है यहाँ पे इंडिया हकदार थी जीत के, विराट कोहली को मिले, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रही है जिन्होंने आज। तो भाई लोग अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट गेम प्ले में।